महादेव दोस्तों, जय श्री राम। एक तरफ ज्योति मौर्या है, इन्हें सब जानते हैं कि उन्होंने क्या किया है, और दूसरी तरफ है निशा वांगड़े, जिन्होंने अपने परिवार के लिए अपना पद डिप्टी कलेक्टर होते हुए भी त्याग दिया सिर्फ अपने परिवार के लिए। तो हर औरत एक जैसी नहीं होती है। मैंने आज एक न्यूज़ देखी कि ज्योति मौर्या के चक्कर में अपने बीवियों को, कई पतियों ने 147 औरतों को वापस बुला लिया है जो कि पढ़ाई कर रही थी। इस तरीके से उन्हें वापस बुला लिया गया, उनको पेपर में नहीं बैठने दिया गया है, आगे की पढ़ाई पूरी नहीं करने दी है सिर्फ इस ज्योति मौर्या की वजह से। तो हर औरत एक जैसी नहीं होती, इसकी वजह से समाज में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी फैल रही है और हर औरत को टारगेट किया जा रहा है। तो सारी औरतें एक जैसी नहीं है। मैं भी जॉब करती हूँ, अपने बच्चे को भी देखती हूँ, अपने परिवार को भी देखती हूँ। तो इस तरीके से आप लोग प्लीज़ जो भी कमेंट कर रहे हो ज्योति के लिए ही कमेंट करें, ज्योति के बारे में ही बोलें और औरतों के बारे में मत बोलें कि सारी औरतें एक जैसी होती हैं ये वो काफ़ी, तो ऐसा कुछ ना बोलें जिससे कि समाज में अच्छी भावनाएं, अच्छी चिन्हें वो जाएं, ना कि निगेटिविटी फैले औरतों के लिए। और आगे चलकर मुझे लगता है कि इस तरीके की न्यूज़ से कोई भी पति अपने बीवी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा ऐसा मुझे नहीं लगता।